एक रिश्ता जो टूट जाता है, लाखों सवाल और जवाब अपने साथ छोड़ जाता है। बीते दिनों दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह के तलाक का मामला सामने आया है। ये मामला सच में मन को आहत करने के लिए काफी है। आखिर कैसे 22 साल पुराना ये रिश्ता खत्म हो जाता है? चलिए आपको बताते हैं इस 22 साल के रिश्ते की पूरी कहानी। आखिर क्यों टूट जाता है 22 साल पुराना ये रिश्ता? ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को और उनकी पत्नी को तलाक की मंजिल तक जाना पड़ गया? आपको बता दें, दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह की शादी 2001 में हुई थी और अब इनकी शादी इस मोड़ पर आ गई है कि यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को और उनकी पत्नी स्वाति सिंह को इस रिश्ते को खत्म करने की नौमत आ गई है। 22 साल पुराना ये रिश्ता अब खत्म हो गया है। कोर्ट ने दोनों की तलाक पर मुहर भी लगा दी है। तलाक के बाद मीडिया के सवालों को मंत्री दयाशंकर सिंह टालते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दयाशंकर सिंह ने अपने एक बयान में कहा कि स्वाति सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से उनके संबंध में ऐसी स्थिति पैदा हुई कि उन्हें तलाक का रुख अपनाना पड़ा। आपको बताते हैं इनके शुरुआती दिनों की कहानी। दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह की शादी 18 मई 2001 को हुई थी और ये संबंध काफी अच्छा चल रहा था। फिर 2012 के आते आते ही दोनों के रिश्तों में धीरे धीरे खटास भी आने लग गई और स्वाति सिंह ने तलाक के लिए कोर्ट का रुख अपना लिया। हालांकि 2017 में विधायक और फिर मंत्री बनने के बाद उन्होंने पैरवी छोड़ दी थी, लेकिन 2022 में टिकट काटने के बाद उन्होंने फिर से वाद दाखिल किया। पिछले साल 30 सितंबर 2022 को स्वाति सिंह ने फैमिली कोर्ट में वाद दाखिल किया था। इसमें स्वाति सिंह ने कहा था कि वह पिछले 4 सालों से अपने पति से पूरी तरह अलग रह रही हैं। दोनों के बीच में कोई वैवाहिक रिश्ता नहीं है, इस लिहाज से उन्हें तलाक दे दिया जाए। इसके बाद प्रतिवादी के अदालत में उपस्थित ना होने पर कोर्ट ने स्वाति के द्वारा पेश किए गए सभी सबूतों के तहत सहमत होकर तलाक का फैसला भी सुना दिया। पर इस रिश्ते में ऐसा क्या हो गया कि 22 साल पुराने इस रिश्ते में अचानक से खटास आने लगी और तलाक तक की नौमत आ गई? आपको बता दें, 2012 के बाद पति पत्नी के रिश्ते में जब खटास आने लगी थी तो ये दोनों एक दूसरे से दूर होने लगे थे, लेकिन फिर दयाशंकर के बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती को लेकर दिए गए बयान के बाद स्वाति सिंह ने अपने पति के पक्ष में खड़ी हुई भी दिखाई दी थी। इस वायके के बाद दोनों एक बार फिर नजदीक आ गए। सोचा गया कि रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, तो वहीं 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में दयाशंकर सिंह को टिकट नहीं मिला, लेकिन इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती पर की गई टिप्पणी का विवाद इतना गर्म हुआ कि पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने दयाशंकर की पत्नी पर विवादित बयान दे डाला। मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि एक बार फिर दयाशंकर अपनी पत्नी के साथ खड़े हुए नजर आए। वहीं ये मामला इतना तूल पकड़ता गया कि जमकर सड़क पर संग्राम भी हुआ और उसका नतीजा ये रहा कि स्वाति सिंह की सियासत पल भर में फर्श से अर्श पर पहुंच गई। भाजपा ने इसके बाद उन्हें सीधे बीजेपी महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया। बाद में स्वाति को बीजेपी ने लखनऊ की सरोजी नगर विधानसभा सीट से टिकट देकर मैदान में भी उतारा। स्वाति ने इस चुनाव में जीत हासिल की और योगी सरकार में मंत्री भी बनाई गई। वहीं स्वाति के मंत्री बनने के बाद एक बार फिर दोनों का रिश्ता पटरी पर उतर गया और वो ठीक नहीं हो सका। दोनों के एक बेटा और एक बेटी भी हैं। पिछले 10 सालों से दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह अलग अलग ही रहते नजर आ रहे हैं।
दोनों ही बच्चे अपनी माँ स्वाति सिंह के साथ रहते हैं। वहीं दयाशंकर बीच बीच में अपने बच्चों से मिलने के लिए आते जाते रहते हैं। बता दें वह अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं और उनका खर्चा भी उठाते हैं। एक समय ऐसा भी था कि दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह एक दूसरे के बेहद करीब थे और तब ही इस रिश्ते को शुरुआत करने की ये बातें चली थी। परिवार से जुड़े हुए लोग बताते हैं कि स्वाति और दयाशंकर की दोस्ती कॉलेज के दिनों में हुई थी। दोनों विद्यार्थी परिषद में सक्रिय थे, जिसके चलते दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। स्वाति सिंह इलाहाबाद से MBA कर रही थी तो दयाशंकर सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में बड़े नेता के तौर पर उभर रहे थे। परिषद के कार्यक्रमों में दोनों में मेल जोल बढ़ने लगा और दोनों की नजदीकियां भी इसके साथ बढ़ने लगी। दोनों बलिया के ही रहने वाले थे, इस लिहाज से उनके रिश्ते और प्रगाढ़ होते गए। कुछ दिनों की दोस्ती के बाद रिश्ते के बंधन में तब्दील होने की बात भी शुरू हो गई और धीरे धीरे ये दोनों इस वैवाहिक रिश्ते में बंध गए। बाद में स्वाति सिंह ने लखनऊ विश्वविद्यालय में PhD में पंजीकरण कराया और वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने भी लगी थी। उस समय दयाशंकर सिंह से जुड़े छात्रों और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच भैया भाभी का संबंध मधुर स्मृतियों वाला रहा है। हालांकि बाद में धीरे धीरे दोनों के बीच तकनियां भी बढ़ने लगी थी, लेकिन सब यही चाहते थे कि ये रिश्ता बहाल हो जाए। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव की ओर चलें तो 2022 के हुए विधानसभा चुनाव में लोगों को ये उम्मीद थी कि स्वाति सिंह को एक बार फिर से टिकट दिया जाएगा। वह सरोजनी नगर से विधायकी का चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि वह पिछली सरकार में मंत्री थी और उनका कद भी बड़ा हुआ करता था। महिला नेता के तौर पर उनकी एक बड़ी छवि थी, लेकिन कुछ नतीजे कुछ और ही रहे। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में BJP ने स्वाति सिंह का टिकट ही काट दिया। इस बार उनकी जगह उनके पति दयाशंकर सिंह को टिकट दे दिया गया, लेकिन दयाशंकर को टिकट मिलने के बाद सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई कि कहीं दयाशंकर को उनकी पत्नी की जगह लखनऊ के सरोजनी नगर सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन भाजपा ने अटकलों पर विराम लगा दिया और दयाशंकर सिंह को बलिया से टिकट मिला। वह चुनाव लड़े और चुनाव को जीते भी, साथ ही वो योगी सरकार में मंत्री भी बन गए। लेकिन इन सबके बीच कई बार स्वाति सिंह की तरफ से दयाशंकर पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए गए। कई बार दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ा कि पार्टी के बड़े नेताओं को भी दोनों के बीच समझाने की कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन आखिरकार सभी की कोशिशें नाकाम रहीं और 22 साल पुराना ये रिश्ता अब खत्म हो गया और कोर्ट ने भी दोनों के तलाक पर मुहर अब लगा दी है। इंडिया 24x7 लाइव TV की रिपोर्ट।